आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की। कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की, तो दिल्ली NCR में मुशफरी गर्मी, आज देश के 16 राज्यों में है बारिश के आसार। दिल्ली NCR में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे मगर हल्की बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। वहीं दिल्ली के अलावा यूपी और बिहार में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने आज मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, उपमारी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं भारी से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट के मेघालय और नागालैंड, मिजोरम और इसके अलावा यहाँ पर त्रिपुरा, उपमारी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने आज बिहार और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गंगी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ साथ आंधी आने की संभावना जताई है, यानी आंधी वगैरह जो है वो आ सकती है। वही आंधी आने की संभावना यहाँ पर जताई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवर्ती परिसंचरण जो है निचले समुद्र स्तर पर दक्षिणी बिहार के ऊपर अभी मौजूद है। वही ये समुद्र तल से ये जो लाइन जो है समुद्र तल से ये लाइन फिलहाल यहाँ पर समुद्र तल से पश्चिम छोर पर हिमालय की तरफ की तरफ चल रही है। वही पूर्वी छोर पर अब गोरखपुर और मुजफ्फरपुर, मालदा होते हुए ये यहाँ पर गुजर रही है, वहां से पूर्व की ओर मणिपुर की ओर जा रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इसके अपने सामान्य स्थिति से उत्तर या फिर हिमालय के तलहट तक पहुंचने की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण मध्य और उत्तरी अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर कोमरिंग क्षेत्र के ऊपर अभी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशा जताई है। इसलिए मछुआरों को यहाँ पर समुद्र में न जाने की सलाह जो है वो दी गई है। बात अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं। राज्य भर मौसम विभाग के अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में फिलहाल राजस्थान के अंदर जो है बारिश का दौर थमा हुआ है। वही पिछले एक माह से चल रही अच्छी बारिश का दौर अब थमने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गतिविधियां जो है बारिश की एक हफ्ते तक अभी थम जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ से एक जो हवाएं आ रही है उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इसी सिस्टम से बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं सिस्टम और नमी वाले हवाओं को रोक दिया है। वह इस कारण पश्चिम राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश थमने के साथ मौसमी गर्मी जो है बढ़ेगी और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले हफ्ते तक कोई बड़ा वेदर सिस्टम न बनने की उम्मीद जताई है, यानी बड़ा कोई भी वेदर सिस्टम जो है वो नहीं बनेगा।